हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, फटाफट पिछली क्लास में दिए हुए सेंटेंसेस का हम आंसर देख लेते हैं, और आप भी अगर आपने बनाया है तो आप मैच कर लो। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा पिछली क्लास में दिए हुए सेंटेंसेस का, जो होमवर्क में दिया था मैंने उसके आंसर, अगर आपने बनाया है तो उसको आप मैच कर लो। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द यूज ऑफ नीड इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में नीड का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, मीन्स नीड का फ्यूचर क्या होता है। तो फ्यूचर मीन्स आने वाला कल, यानी कि मुझे पेन की ज़रूरत है, ये प्रेजेंट हो गया, आई नीड ए पेन। मुझे पेन की ज़रूरत होगी थी तो ये पास्ट हो गया, आई नीड ए पेन। मुझे पेन की ज़रूरत पड़ेगी या होगी या रहेगी, मीन्स फ्यूचर में सेंटेंस के अंत में आएगा, ज़रूरत रहेगा, रहेगी, रहेगी, रहेंगे, ज़रूरत पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेंगे, ज़रूरत होगा, होगी, होंगे। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर होगा सेंटेंस में तो समझ लेना आपको कि नीड का फ्यूचर टेंस है। ओके फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं इसको बनाना। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है। आप जैसा कि जानते हैं और मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि किसी भी सेंटेंस को फ्यूचर बनाने के लिए उसमें शैल और विल का इस्तेमाल होता है। ओके फ्रेंड्स, कोई भी सेंटेंस हो, चाहे कोई भी टॉपिक का हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब कोई भी रहे, अगर उसका सेंटेंस फ्यूचर में बनाना है तो उस हेल्पिंग वर्ब से पहले हमें शैल और विल का इस्तेमाल करना होता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें भी वही करेंगे। जैसे हम बनाते हैं, उसे इस बुक की ज़रूरत पड़ेगी, उसे इस बुक की ज़रूरत पड़ेगी, यानी फ्यूचर टेंस हो गया, या ज़रूरत होगी भी बोल सकते हैं। तो ही विल, पहले विल लिखेंगे क्योंकि फ्यूचर है, और कोई भी सेंटेंस जब फ्यूचर में होता है तो उसमें हम सब्जेक्ट के बाद शैल और विल का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। उसके बाद इसमें ज़रूरत के लिए हम नीड लिखेंगे, ही विल नीड दिस बुक। ओके फ्रेंड्स, अभी एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव में जैसा कि आपको मैंने कई बार बताया है कि किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके हम जस्ट बाद नॉट लगाते हैं। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब दो दो आपको नज़र आ रहा है, विल भी है और नीड भी है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट लगाएंगे, ही विल नॉट नीड दिस बुक। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ही वोंट भी बोल सकते हैं, वोंट, वोंट मतलब ये डब्ल्यू ओ एन एन एपोस्ट्रोफी टी, वोंट शॉर्ट फॉर्म है विल और नॉट का। He won't need this book. क्या उसे इस बुक की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम लिखते हैं। अगर उसमें दो हेल्पिंग वर्ब है तो हम पहला जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसमें विल हेल्पिंग वर्ब पहला आया तो विल पहले लिखेंगे, विल ही नीड। उसे इस बुक की ज़रूरत कब पड़ेगी, तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो जब क्वेश्चन वर्ड वाला होता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो व्हेन विल ही नीड दिस बुक। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स का सेंटेंस बनाते हैं। अभी आपको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तुम्हें दूध पीने की ज़रूरत पड़ेगी, यू विल नीड टू ड्रिंक मिल्क। तुम्हें दूध पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू विल नॉट नीड टू ड्रिंक मिल्क, या यू वोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। क्या तुम्हें दूध पीने की ज़रूरत पड़ेगी, विल यू नीड टू ड्रिंक मिल्क। तुम्हें दूध पीने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, Why will you need to drink milk? उन लोगों को नदी पार करने की ज़रूरत होगी, They will need to cross the river. उन लोगों को नदी पार करने की ज़रूरत नहीं होगी, They will not need to cross the river. या They won't need to cross the river. क्या उन लोगों को नदी पार करने की ज़रूरत पड़ेगी, Will they need to cross the river? उन लोगों को नदी पार करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, Why will they need to cross the river? तुम्हें दुकान खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, You will need to open the shop. तुम्हें दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, You will not need to open the shop. या You won't need
टू ओपन द शॉप, क्या तुम्हें दुकान खोलने की ज़रूरत पड़ेगी? विल यू नीड टू ओपन द शॉप, तुम्हें दुकान खोलने की ज़रूरत कब पड़ेगी? When will you need to open the shop? तुम्हारे भाई को परीक्षा देने की ज़रूरत होगी। Your brother will need to take exam. तुम्हारे भाई को परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं होगी। Your brother won't need to take exam. तुम्हारे भाई को परीक्षा देने की ज़रूरत होगी? Will your brother need to take exam? तुम्हारे भाई को परीक्षा देने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? Why will your brother need to take exam? क्या मुझे ऐसा करने की ज़रूरत पड़ेगी? Shall I need to do this? या do this की जगह हम do so भी बोल सकते हैं। क्या मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? Shall I not need to do this? या हम शांट भी बोल सकते हैं। शैल और नॉट को साथ में शॉर्ट फॉर्म में शांट बोलते हैं। तो शांट आई नीड टू डू दिस, मुझे ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? वाई शैल आई नीड टू डू दिस, उन लोगों को मैच जीतने की ज़रूरत पड़ेगी। दे विल नीड टू विन द मैच, उन लोगों को मैच जीतने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दे विल नॉट नीड टू win the match, या they won't need to win the match, क्या उन लोगों को मैच जीतने की ज़रूरत होगी? will they need to win the match, उन लोगों को मैच जीतने की ज़रूरत क्यों होगी? why will they need to win the match, आपको मेरे साथ ठहरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। you will not need to stay with me, या you won't need to stay with me, क्या आपको मेरे साथ ठहरने की ज़रूरत पड़ेगी? will you need to stay with me, किसको बंदूक की ज़रूरत होगी? who will need gun, किस आदमी को साइकिल की ज़रूरत होगी? which man need cycle, मुझे कैसे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी? How shall I need you? मुझे कैसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? How shan't I need you? हम लोगों को उससे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। We shall not need to talk to him. क्या हमें उसे पीटने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि उसकी पिटाई करने की ज़रूरत पड़ेगी? तो क्या हमें उसकी पिटाई करने की ज़रूरत पड़ेगी? Shall we need to beat him? तुम्हें दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। You will not need to take medicine. तुम्हें दवाई खाने की ज़रूरत कब पड़ेगी? When will you need to take medicine? तुम्हें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? How many person will you need? आपको कितना दूध चाहिए होगा, या आपको कितने दूध की ज़रूरत पड़ेगी? हाउ मच मिल्क विल यू नीड? ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आज के नीड वाले फ्यूचर वाले सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब रहे आज के होमवर्क, ये रहे होमवर्क आज के, आप अच्छी तरह से समझ के बना देना। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए उन लोगों तक जिनको इंग्लिश सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।